रेगिस्तान में कौवा। प्लीज हमारे चैनल और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पुरानी बात है, बहुत ही विशाल एक रेगिस्तान था। उसे पार करना लगभग नामुमकिन था। केवल विशाल शक्तिशाली पक्षी ही उसे पार कर पाते थे। पैदल चलने वाले जानवरों में ऊंट ही एक ऐसा जीव था जो उस रेगिस्तान को पार करने की हिम्मत रखता था। रेगिस्तान के पूर्वी छोर पर मंगलवन नाम का एक विशाल जंगल था और पश्चिमी छोर पर चंदनवन नाम का जंगल था। दोनों ही जंगल बहुत विशाल और हरे भरे थे, लेकिन रेगिस्तान की वजह से वो आपस में कभी मिल नहीं पाते थे। मंगलवन में एक बूढ़ा कौवा रहता था। वो बहुत समझदार था। उसका नाम चतुरसेन था। जंगल के सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे और उससे सलाह लेने उसके पास आया करते थे। कौवा भी खुशी खुशी उन्हें अपना सुझाव दिया करता था। इसी तरह उसका जीवन बड़े आराम से कट रहा था। एक दिन चतुरसेन पेड़ की डाल पर बड़े आराम से बैठा आराम कर रहा था। तभी एक चील उड़ते हुए आई और पास की डाल पर आकर बैठ गई। वो चीलू चील थी और चंदन वन से आई थी। उसने पूछा, क्या आप ही चतुरसेन हैं? कौवा बोला, हाँ मैं ही चतुरसेन हूँ, बताओ क्या बात है? मैं चीलू चील हूँ और चंदन वन से आई हूँ, चील ने कहा। कौवा चौंक कर बोला, इतनी दूर से? जरूर कोई खास वजह होगी। चील बोली, हाँ आपके दोस्त कोलू हिरन ने आपको बुलाया है। वो किसी मुसीबत में है और आपकी मदद चाहता है। मैं उसकी बहुत ही खास दोस्त हूँ, इसलिए उसकी मदद के लिए आपके पास आना पड़ा। कौवा बोला, ओ तो ये बात है। तुम जाओ और गोलू को संदेश देना कि वो परेशान ना हो। मैं कल ही उससे मिलने आऊँगा। जल्दी ही उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चील ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या आप रेगिस्तान को पार कर पाएंगे? अगर कोई परेशानी हो तो मैं आपके साथ ही चलूँगी। कौवा बोला, नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने सैकड़ों बार रेगिस्तान को पार किया है और गोलू से मिलने जा चुका हूँ। तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम जाकर बस गोलू को मेरा संदेश दे देना। चील बोली, ठीक है, और वो वहाँ से चली गई। अपनी जवानी के दिनों में चतुरसेन रेगिस्तान पार करके अपने दोस्त गोलू हिरन से मिलने जाया करता था, लेकिन अब चतुरसेन बूढ़ा हो गया था, इसलिए पिछले कई साल से वो गोलू से मिलने नहीं जा सका था। लेकिन फिर भी वो अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर चंदनवन की ओर निकल पड़ा। कुछ देर तक तो वो आराम से उड़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊंचा उठता गया, चतुरसेन का गर्मी से बुरा हाल हो गया। तेज गर्मी में उसके पंख झुलसने लगे और वो थकने लगा। प्यास से भी उसका बुरा हाल होने लगा। रेगिस्तान में ना तो कोई पेड़ था जहाँ वो आराम कर सके, और पानी का तो वहाँ दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। चतुरसेन को लगा कि वो गर्मी से झुलसकर और प्यास से बेहाल होकर नीचे गिर जाएगा। तभी उसे नीचे रेगिस्तान में ऊँटों का एक परिवार नजर आया। उस झुंड में दो ऊँट, तीन ऊँटनी और एक छोटा बच्चा भी था। चतुरसेन को कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। वो नीचे उतर गया और एक ऊँट की पीठ पर बैठकर बोला, भाई मैं मंगलवन से आया हूँ और मुझे चंदनवन जाना है, मगर गर्मी और प्यास से मेरा बुरा हाल है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? ऊँट बहुत दयालु था। वो बोला, मित्र आप चिंता ना करो, हम आगे एक मरुध्यान की ओर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलो, वहाँ थोड़ी छाया और पानी दोनों मिलेंगे। पानी पीकर और थोड़ा आराम करके आप चंदनवन की ओर जा सकते हैं। कौवा सुनकर बहुत खुश हुआ। ऊंट की पीठ पर बैठे बैठे ही वो उनके साथ उस मरु उद्यान तक पहुंचा। हरियाली और पानी देखकर उसका मन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने भरपेट पानी पिया और पेड़ की छाया में थोड़ा आराम किया। अब उसे चंदनवन जाने के लिए अच्छी खासी शक्ति मिल चुकी थी। कौवे ने ऊंट और उसके परिवार को धन्यवाद किया और चंदनवन की ओर उड़ चला। मन ही मन वो बहुत खुश था कि उसे ऊंट जैसे नए दोस्त तो मिले ही थे,
साथ ही साथ उसे रेगिस्तान में मरु उद्यान का भी पता चल गया था, जिससे रेगिस्तान का सफर आसान हो सकता था। उसने मन में निश्चय किया कि वो और जानवरों को भी उस मरु उद्यान के बारे में बताएगा और उनकी मदद करेगा। इस दृढ़ निश्चय और खुशी के साथ वो चंदनवन की तरफ उड़ता चला गया।